सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो में बात करेंगे हम अंजलि अरोरा के बारे में। तो आपको बता दें सचू, जैसे कि आपको पता होगा कि अंजलि अरोरा को रोस्ट किया था एलविस यादव ने पिछले कुछ साल पहले, लेकिन अब अंजलि अरोरा का एक पॉडकास्ट आउट हो रहा है जिसमें वो बता रही है कि भाई अंजलि अरोरा और एलविस यादव एक अच्छे दोस्त है, एक दूसरे के बारे में उन्होंने क्या कहा है, जरा देखिए। ये एलविस का हमने देखा, आपके शायद दोस्त है। एलविस दोस्त है आपके? हाँ जी। क्या है, थोड़ा बताइए ना उनके बारे में, थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी वोटिंग के दम पर जीत कर आए थे अभी। हाँ देखो, उनका फेम बहुत अच्छा है एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी। और जिस तरीके से वो खेले, लाइक लास्ट में आके 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने जो एक अपना जादू चलाया है बिग बॉस के ऊपर, काफी अच्छी दोस्त बहुत आप सीख गई टीवी पे बात कैसे करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट अच्छी बुरी। जब आप जिस इंसान को मिले हो एक दो बार, है ना, और उसके बारे में गलत एक कुछ भी गलत बोलना, आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। जितना आप जानते हो, तो जैसे कि साथी आपने क्लिप तो देख ही लिया है, लेकिन अब अंजलि अरोरा की बात हो गई है तो आपको ये भी याद होगा कि जब मुनव्वर फारूकी एक शो में थे और अंजलि अरोरा उनके साथ थी लोकअप शो में, तो उनकी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब मुनव्वर फारूकी अब बिग बॉस में थे तो अंजलि अरोरा का एक इंटरव्यू आउट हुआ था जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए थे मुनव्वर फारूकी के ऊपर बहुत सारे। तो इस पर मुनव्वर फारूकी का क्या है रिप्लाई आ चुका है, तो जरा देखिए ये क्लिप। शायद बदल जाते हैं, जैसे अंजलि आपके साथ बहुत अच्छी फ्रेंड थी शो में, अभी रिसेंटली वो कुछ और ही बोल रही है कि मतलब नेगेटिव साइड थोड़ा ज्यादा बोल रही है। बात अंजलि की, तो मैंने उसका इंटरव्यू का रील में कहीं पे देखा एंड मैं यही सोच रहा था, मैं बोला ये क्या है, मतलब मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं कर दिया या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर दिया, तो आप ये बातें इस तरह क्यों बोल रहे हो। बट फिर पढ़ना नहीं है जिन चीजों में, उन चीजों को ज्यादा एंटरटेन करके फायदा नहीं। बोलते हैं ना कि क्या कोई चीजों का मतलब नहीं है, बट इंटरनेट पे सबको आके अपना ज्ञान देना होता है, तो मैं बहुत चिल हूं इस मामले में। तो जैसे कि साथियों आपने देख लिया होगा क्लिप, तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, किसको सही मानते हैं, कमेंट में अपनी राय रख